देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से पर्यटकों को लुभाती रही है। सैर सपाटा करने के साथ साथ अपने धार्मिक महत्व की वजह से उत्तराखंड सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और इसीलिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक कार्य किए। स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना के अंतर्गत केदारनाथ, कटारमल, जागेश्वर, बैजनाथ एवं देवधरा के पर्यटन विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई एवं प्रदेश के पर्यटन को एक नई दिशा दी। वर्ष 2013 की भीषण आपदा के बाद बिना रुके चारधाम एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा बेहद कम समय में सफलतापूर्वक संचालित करा के इस साल रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक यात्रियों को उक्त धामों के दर्शन का अवसर दिया तथा शीतकालीन चारधाम यात्रा को फिर से शुरू कराने के पूरे इंतजाम किए। राज्य सरकार ने अपने बल पर 700 करोड़ रुपए की लागत से अर्धकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान किया। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 को ट्रैकिंग ईयर के रूप में मनाते हुए 80 ट्रैकिंग रूट विकसित किए गए एवं राज्य में पहली बार देश की सबसे लंबी 628 किलोमीटर की माउंटेन टेरेन बाइकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाटर स्पोर्ट्स के लिए नया इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी टिहरी लेक में टिहरी लेक एडवेंचर फेस्टिवल एवं X1 जेट्स की वर्ल्ड कप 27 का आयोजन किया गया। वह पिथौरागढ़ में पैराग्लाइडिंग, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, पंचेश्वर में एंगलिंग फेस्टिवल एवं जागेश्वर में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल आयोजित किया गया। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले 4,700 बुजुर्गों को बद्रीनाथ, गंगोत्री, नानक मत्था आदि स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई गई। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर अपने यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने में जी जान से लगी है। सराय विकास एवं हमारे युवा हमारा उत्तराखंड योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहन देकर स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना से 5,300 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना के अंतर्गत पुरानी काष्ठ कला एवं शिल्प कला से बने 1,000 भवन होम स्टे योजना में शामिल किए गए हैं तथा 10,000 परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार पर्यटन को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के रूप में विकसित करने में सफल रही है। जन जन की है यही पुकार, हरीश रावत सरकार फिर एक बार।